हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो हमने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई है, कुछ इश्यूज थे, सम पर्सनल रीजंस जिसकी वजह से नहीं बना पा रहे थे। एनीवेज नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड इन माइंड और हमारे कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हम चाहते थे कि जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता है वो आपके सामने लाएँ। सो नाउ दैट वी हैव ड्रिवन दिस कार फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स, 8-9 महीने हो गए इस गाड़ी को लिए हुए, सो वील शेयर दैट विथ यू। एंड बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस हमारा रहा है। एंड बिटवीन द टाइम दैट आई बॉट द कार, अगस्त 2023 में ये गाड़ी ख़रीदी थी, एंड उस टाइम से लेके अभी तक में कुछ एडिशन्स हमने किए हैं, कुछ एक्सेसराइज किया है, कहीं ना कहीं कुछ एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी मोस्टली। तो विल शेयर ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विथ यू कि आप उसको लगाना चाहें या आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए। एंड आई होप आपको आने वाली वीडियोज़ भी पसंद आए, एंड कीप सपोर्टिंग अस जैसे आपने पहले किया था, जो बहुत मोटिवेटिंग था हमारे लिए। सो विल स्टार्ट इन दिस वीडियो नाउ। कमिंग टू द थिंग्स दैट वी हैव इंस्टॉल इन द कार, ये सारी चीज़ें जो हमने पिछले महीनों में कुछ लगाई हैं, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन यूटिलिटी पर्पसेस ओनली। कोई भी हमारे उसको कॉस्मेटिक चेंजेस करने के लिए हमने नहीं मंगाया है। एक है जो कि बेसिकली एक ग्रिल जो हमने गाड़ी में लगाया है, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लुक को एनहांस करता है। सो विल स्ट्रेट अवे कम टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कि अगर आपको समझ में आए कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरत की हैं, सो यू कैन हैव अ इनसाइट ऑन ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो पहला है ये कार GPS ट्रैकर जो हमने लगाया है क्यूबो का, दिस इज़ फ्रॉम क्यूबो। एंड ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये हमारे पर्सनल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से जो चीज़ें हमने लगाई हैं, ये उसका एक आपके लिए बस एक रिव्यू है, नथिंग मोर देन दैट। सो दिस इज़ फ्रॉम क्यूबो GPS। ये ट्रैकर मेरे ग्लव बॉक्स के अंदर कहीं पे सेट किया हुआ है, एंड इंस्टॉलेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड एट होम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स का पूरा इसमें सीन रहता है। अनलेस एंड अनटिल आपको अच्छे से नॉलेज हो, प्लीज़ डोंट डू इट एट होम। कार के इलेक्ट्रिकल्स से छेड़छाड़ करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बहुत डेंजरस भी हो सकता है। सो स्ट्रेट अवे कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ GPS, अभी जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑफ है, मैं इसको ऑन करता हूँ। जैसे ही इग्निशन ऑन करूँगा तो यहाँ कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं पे मैसेज फ्लैश करेगा। अभी आप देखिए, वेट करते हैं हम लोग, 2-5 सेकेंड का डिले होता है। ये देखिए मैसेज आया, ये मैसेज अभी क्या आया, दिस इज़ द मैसेज क्यूबो का, इसमें आ रहा होगा इग्निशन टर्न ऑन। एंड जैसे ही हम इसको यहाँ से इग्निशन बंद करेंगे, सो यू विल ऑल्सो गेट अ मैसेज कि इग्निशन बंद किया गया है। जस्ट लुक एट द स्क्रीन, ये आएगा ज़रूर, अभी 2-5 सेकेंड का डिले रहता है। लेट्स वेट फॉर दैट। ये देखिए ये आ गया, इग्निशन ऑफ। सो ये क्यूबो का एक ऐप है, क्यूबो गो। इस ऐप पे आप अपने इस GPS डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हैं, एंड यू कैन सी ऑल ऑफ द जो फीचर्स हैं इसके, गाड़ी कहाँ पे पार्क्ड है, कितने स्पीड में चल रही है, या इसका आपको हिस्ट्री निकालना है, वो सब आप निकाल सकते हैं इससे। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट इज़ जियो फेंसिंग, जिसे कि आप एक सर्टेन एरिया को सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको वो पता चलेगा कि भाई गाड़ी अगर किसी एक सेट एरिया, डिफाइंड एरिया से बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, सो यू विल गेट एन अलार्म ऑन योर फोन। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इंस्टॉल्ड इज़ विंड बूस्टर, ये यहाँ पर है। आई होप आपने वो इंस्टॉलेशन वीडियो हमारी देखी होगी, एंड इफ़ नॉट सो प्लीज़ गो एंड वॉच द विंड बूस्टर वीडियो, बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो के बाद हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में क्वेश्चंस आए कि कैसी परफॉर्मेंस है एंड एवरीथिंग, सो वी हैव बीन आंसरिंग दैट सिंस ऑल ऑफ दीज मंथ्स। सो दिस इज़ अ रियली नाइस एडिशन टू हैव इन योर कार। एंड ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, यू विल सी ये तो बहुत कॉमन हो गई हैं, आपको इसके बारे में यूट्यूब पे भर भर के मिलेगा सब कुछ। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इन द कार इज़ द डैश कैम, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम क्यूबो। ये डैश कैम एक्चुअली आपकी गाड़ी में होना चाहिए, नो मैटर विच कंपनी, विच मॉडल, आप कौन से आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप लगाते हैं, बट हैविंग अ डैश कैम इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। हमारे साथ हुए कुछ इंसिडेंट्स हाईवेज पे, जिस पे ये डैश कैम हमारे काम में आया, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। नेक्स्ट वन दैट वी हैव इन द कार इज़ द TPMS। ये TPMS हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम स्काई शॉप।
इसको इंस्टॉल आप घर पे नहीं कर सकते हैं, ये एक इंटरनल TPMS है, यू ओनली कैन गेट इट डन थ्रू अ प्रोफेशनल। आपको इसके लिए व्हील्स निकालवाने पड़ते हैं, वो डिफ्लेट करेंगे टायर को, फिर सेंसर्स उसमें फिट करेंगे। तो इन सब की इंस्टॉलेशन वीडियोस हम नहीं डाल रहे हैं बिकॉज वो आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी एंड काफ़ी लंबा होता है। बट रिगार्डिंग द एक्सेसरी टू हैव इट, बिल्कुल होना चाहिए, ये गाड़ी में रहना चाहिए था कंपनी के थ्रू, बट उन्होंने नहीं दिया है, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। एंड इसकी एक अलग से हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमारा एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड, उसे रिलेटेड वो वीडियो है एंड उसको ट्रबल शूट कैसे करें, बिकॉज दिस इज़ अ रियली रियली गुड एक्सेसरी टू हैव इन योर कार। इससे आपको पता चलता रहता है कि आप गाड़ी में हवा कितनी है नहीं है, तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव इन अ कार। सो ये तो हो गई जो चीज़ें इंस्टॉल करनी थी गाड़ी में, सो फ्यू ऑफ देम आप अपने से कर सकते हैं, द रेस्ट ऑफ देम यू हैव टू गेट इट डन थ्रू अ प्रोफेशनल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सेसरी दैट वी हैव, एक्चुअली दो हैं हमारे पास जो हमने टायर इन्फ्लेटर्स हमने रखे हुए हैं। So we have two tire inflators, one is from MI and one is from Kubo. And this is not a promotional video, ये sponsored video नहीं है, because I like the products from Kubo, इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास Kubo की। So this is from Kubo, ये आपके travel needs में the one that you can plug in the car। हम लोग बहुत ज़्यादा travel करते हैं, so this is the better one to have, पहले हमने ये ख़रीदा था। सो वॉट इज़ द बेसिक डिफरेंस, दिस इज़ बैटरी ऑपरेटेड, आप इसको चार्ज कर सकते हैं, पोर्टेबल दोनों ही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बार में अगर आप दो गाड़ियों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तीन गाड़ियां हैं, यू कैन नॉट फिल एयर इन ऑल ऑफ दोज कार्स फ्रॉम दिस डिवाइस, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है, ये दो या तीन टायर्स में आते आते इसकी हवा निकलने लगती है। इट्स गुड फॉर वन कार, एक बार में दो तीन टायर्स जीरो से इन्फ्लेट कर देंगे, बट प्रॉब्लम होती है। बट हैविंग दिस वन इज स्टिल बेटर बिकॉज ये आप गाड़ी में प्लग इन कर सकते हैं, गाड़ी को आप इग्निशन ऑन करिए, गाड़ी इंजन स्टार्ट करिए आप, एंड देन फिल द एयर इन एज मेनी कार्स एज यू वांट। सो ये ट्रैवल में दिस इज़ अ मस्ट एक्सेसरी टू हैव इन योर कार, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हम ब्रूट फोर्स का वॉकी यूज़ करते हैं, ब्रूट फोर्स का BFR001 है मेरे ख्याल से ये मॉडल, एंड द रेंज ऑफ दीज वॉकीज आर लाइक रियली रियली गुड, बहुत बढ़िया रेंज है इसकी। सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हमने एक फैमिली ट्रिप प्लान किया था भूटान का, एंड द ओनली थिंग दैट केप्ट अस इन टच एज इन की एक साथ कम्युनिकेट कर पा रहे थे ऑन द हाईवेज एंड एवरीवेयर वॉज ओनली दीज वॉकीज, कोई नेटवर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंटरनेशनल रोमिंग भी फ़ोन पे अपने ऑन किया हुआ था सबने, बट कोई काम नहीं आया। सो दीज वर द एक्चुअल थिंग्स दैट वर वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर अस। आप अगर ड्राइव पे जाते हैं, अगर आपका ग्रुप है, आप इसको ज़रूर रखिए, प्लीज़ ये रिकमेंडेड है। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दिस स्पेशली जिसमें आपको इसकी रेंज एंड एवरीथिंग पता चले। सो दीज आर फ्रॉम ब्रूट फोर्स, यू कैन सी। सो आई होप ये चीज़ आपके भी काम आए, हमारे तो बहुत काम आई है। And all of these things that we are talking about are only and only based on our experiences and utilities that we have faced in the last few months since we have purchased Jimny. So the next accessory that I have is something that I got as a gift. ये आप देख सकते हैं, and this is a really really good tool to have in your car. ये plier का भी काम करता है, एक side hammer, एक side axe. रास्ते में पंगा पै जावे तो मतलब, बट जोक सपाट, ये एक्चुअली बहुत काम में आता है अगर आपकी गाड़ी में कभी कोई कील घुस गई, आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ये प्लायर उसमें काम आ जाता है। एंड हमें ड्राइव पे पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक है, हम भूटान गए थे, हम दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट के साइड में जाते रहते हैं, सो वी ऑल्सो हैव अनदर हॉबी ऑफ कलेक्टिंग प्लांट्स एंड गार्डनिंग। तो ये क्या रहता है कि ये एक्स से ना बहुत इजी रहता है कि अगर आपको ऑन द गो कहीं से पेड़ आपको पसंद आ गया, कहीं से चोरी करनी हो आपको पेड़ पौधे, हमने मॉस बहुत इकट्ठा किए इससे, तो दिस इज़ अ रियली गुड टूल टू हैव। मतलब आप देख लो, इफ़ यू वांट इट आप इसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एंड इट ऑल्सो हैज़ सम लाइक स्विस नाइफ्स में होता है, कुछ टूल्स इसमें उस तरीके के भी हैं, आप देख सकते हैं इसमें एक नाइफ है, यू हैव
स्क्रू ड्राइवर के लिए यहाँ पर है आपके पास में, बॉटल ओपनर है आपके पास, एक्स का काम करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये अच्छी चीज़ है टू हैव इन अ कार लाइक जिमनी, ये आपके काम आ सकती हैं। दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक। सो ये जितने भी एक्सेसरीज थी ये सब हमारे यूटिलिटी की हैं, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ों के लिए हैं, क्योंकि एज यू कैन सी अभी तक हमने गाड़ी में वो चेंजेस नहीं कराए हैं जिसमें कि टायर्स को बड़े कर दिए, हमने बुलबार लगा दिए या एडिशनल कैरियर लगा दिया, बिकॉज वो हमारी यूटिलिटी के नहीं है। दिस इज़ अ कार दैट यू शुड टेक इट एज अ प्रोजेक्ट एंड जो आपकी यूटिलिटी के हम। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई हैव, दिस इज़ अ टॉर्च, ये डायनमो वाला टॉर्च है जो कि आपको ईजिली डिकैथलॉन पे मिल जाता है, एंड ट्रस्ट मी ये आपका लाइफ सेवर हो सकता है बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं रिसेंटली पहाड़ों पे गया था एंड वो जो हेयरपिन बेंच थे उसमें एक्चुअली जो नेविगेटर सीट पे थे उनको ये टॉर्च जला करके रास्ता बताना पड़ रहा था कि इधर है। सो दिस इज़ समथिंग आई शो यू, ये एक नॉर्मल फ्लैश कम पर है, ये थोड़ा उससे ब्राइट है, एंड देन थर्ड वेरिएशन इसमें है जो कि ये फ्लैशर SOS के जैसा काम कर सकता है। यू कैन गेट दिस थिंग ईजिली इन डिकैथलॉन, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि यू कैन चार्ज इट थ्रू ये डायनमो। सो आपको ये चार्ज करने वाला पंगा नहीं है, दिस इज़ अ रियली गुड थिंग टू हैव। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, इट कीप्स अस मोटिवेटेड टू मेक न्यू वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। चीयर्स।